मैं आशीष सक्सेना गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट से मैं आपसे आज चुनाव के विषय में बात करने वाला हूँ। जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है चुनाव, तो हमें चुनाव किसी ऐसे इंसान को करना है, हमें ऐसे इंसान को चुनकर भेजना है जो हमारे मुद्दों को आगे रखे, हमारी जो भी समस्याएं है उनको सुने, IAS IPS ऑफिसर को अपना काम करने दें, उनके काम में हड़बड़ा न लगाए, जो भी हमारे राजनीतिक मुद्दे हैं, जो भी सोशल इशू है उन पर काम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे, एजुकेशन पॉलिसी बनाए, यूँ नहीं कि अपनी आत्माभिलाषा के लिए वो अपने कोटि भूखे भर रहे हैं, करोड़पतियों होते जा रहे हैं। हमें क्या है, चुनाव ऐसे करना चाहिए ऐसे व्यक्ति का जो हमारे देश को आगे ले जाए। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, ये कहते हैं कि इंसान के हाथ में पावर है, पर हमें पावर किसी के हाथ में नहीं है, हम पावर 5 साल के लिए एक ऐसे इंसान को दे रहे हैं जो हमारे देश को आगे ले जा सकता है या हमारे देश को 5 या 10 साल पीछे तक भी ले जा सकता है। अगर हमने गलत इंसान को वोट दिया तो 5 साल या 10 साल को पीछे चला जा सकता है। कैसे? क्योंकि उसी के शासनकाल में भ्रष्टाचार इतने पनप चुके होंगे कि उनकी जगह इतनी मजबूत हो गई तो वो खड़े सो रहे होंगे। वहीं अगर हमें 5 साल के ऐसे व्यक्ति को चुना जो काम कर रहा है और रात दिन लगा है, देश की सेवा में लगा है, देश की जनता की सेवा में लगा है, तो हमारे देश की उन्नति और प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है। तो हमें देखिए, मैंने देखा है 5 तरह के लोग होते हैं जो वोट देने जाते हैं, हर एक का देखो 20% है, इसमें से मैं एक वोट डालूंगा 20% का, क्योंकि ये तो किसी इशू की वजह से वोट देने जाएंगे। दूसरे हैं अंधविश्वास, उनको नहीं मतलब है कि ये अच्छा है बुरा है, उन्हें तो बस ये है कि हमारे नेता ये है, हमारे लिए अच्छा करे बुरा करे हमें नहीं पता, ये है। तीसरे तरह के लोग होते हैं जो समाजवाद, जातिवाद, प्रांतवाद, इनके हिसाब से वोट देते हैं। चौथे हैं जो प्रीमिस, जो किसी लोकल आदर्श में वोट देते हैं, जैसे कि किसी को बिजली मुफ्त दे दी, किसी को तरह तरह की नीतियों, जैसे हमने सुना है कि किसानों के ऋण माफ हो जाए, किसानों की आय दोगुनी हो जाए, तरह तरह की प्रीमिस मिलती रहती है, पर ये प्रीमिस किसी मतलब की नहीं देती है। देखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है और हर एक चीज पैसे से आती है। आपको जो चीज फ्री मिल रही है वो आपको टैक्स के बारे में तो पता होगा, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो कि उद्योगपतियों से लिए जाते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि जीएसटी वगैरह जो हमसे लिए जाते हैं। मैंने देखा है जैसे उनके बचपन में था तो पार्ले जी का पेट कितना बड़ा, अब वो देखो टैक्स तो उतना ही टैक्स बढ़ता ही जा रहा है, ऊपर से इन्फ्लेशन महंगाई, तो दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है, तो माल को ही कम किया जा सकता है। देखिए, अगर हमने किसी अच्छे नेता को चुनाव किया होता तो टैक्स भी इतना ही लगता, टैक्स बढ़ता जा रहा है, माल कम होता जा रहा है, जितना हम मूल्य दे रहे हैं उनके हिसाब से रुपये मिल रहे हैं, फिर ये एडवर्टाइजमेंट में चले जाते हैं, जो हमारा ही पैसा होता है उसको अंधाधुंध ढूंढा जाता है। तो हमें आपसे निवेदन है कि आप, मैं ये वीडियो इतनी पहले इसलिए बना रहा हूँ कि आप समझे कि इंसान की आदत होती है भूलने को, तो वो भूलेगा तो इसे मैं एक दिन पहले ही आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। तो इसमें आप ऐसा कीजिए, आप एक घंटे सोचिए समझिए, आपका जैसे कल वोट है 19 तारीख को राजस्थान में, तो आप सोचिए समझिए कि हमें कैसे नेता को चुनना है, उनके मैनिफेस्टो को देखिए, मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या 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 सुविधाएं देने के लिए अपने 5 साल को वो कैसे दर्शा रहे हैं, क्या वो चीज फ्री की इतनी दिखा रहे हैं, या फिर हमारे जो भी मैंने मुद्दे बताए थे एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तरह तरह की हेल्थ पॉलिसी वगैरह पे गया है, तो उनको देख के वोट दीजिए, ना कि किसी की हमें फ्री की चीज को देख कर, बाद में मरना हमारी सिर पे। आप तो बस एक घंटे विचार विमर्श कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि किस पार्टी को वोट दीजिए उस पार्टी को वोट दीजिए, आपके ये आपका ही अधिकार है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप मतदाता नहीं, इस देश के भाग्य विधाता हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है सोच समझ के
वोट देने आवश्यक है।